एयरपोर्ट पे छोड़ने जा रही? चलती हूँ, चलो। पायल रो रही है। चलो आता हूँ जल्दी मैं, बाय बाय। इस गेट के बाद हम दोनों जुदा हो जाएंगे। जा रही हूँ मैं आपको छोड़ के। नानके से आए हैं बच्चों से मिलने। अयान और तुबा ट्विंस नहीं है, जैद और तुबा ट्विंस है। अयान मेरे पेट में नहीं था, जैद मेरे पेट में था। बुर्ज खलीफा पे वो मीटअप रखेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी बज गए हैं सुबह के 11 और मैं और पायल सुबह 7 बजे उठ गए थे, चीकू को स्कूल भेजा रेडी करके, और फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए सो गए थे। तो बस अभी भी उठी है, चीकू के पापा की जो लास्ट पैकिंग है ना दुबई जाने की वो कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे ना ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो गई है, बस जो छोटा मोटा सामान है ना वो डालना है, जैसे कि हैंड बैग में चार्जर हो गया, इनकी बाली हो गई, इनका वॉलेट हो गया, ये सब चीजें। तो अभी अभी ना राहुल से ना मैंने सेरिडॉन एसिडिटी की गोली, चेस्ट एंड कोल्ड और कफ की गोली, ये सब मंगवा कर ना रख दिए, क्योंकि देखो वहाँ पे पता नहीं ना मौसम कैसा हो कैसा ना हो, तो मेडिसिन है ना वो हमेशा इंसान के पास होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है सर दर्द की और एसिडिटी की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे डाल दिए। और ना लाइफ में ना पहली बार ऐसा हो रहा है कि चीकू के पापा इतने दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो वो अक्सर जाते हैं 1-2 दिन के लिए जाते हैं, बट इस बार तो 9 दिन के लिए जा रहे हैं। तो बस अभी वो सलून गए हुए हैं अपनी बियर्ड सेट करवाने के लिए, बस वो आएंगे फिर थोड़ी देर में लंच करके बस निकल लेंगे। और ना मुझे आज जैद को लेकर डॉक्टर के पास भी जाना है, उसकी जो पट्टी है वो रिमूव करवानी है, स्टिचेस तो उस दिन खुल गए थे, और डॉक्टर ने कहा था एक क्रीम स्टार्ट कर रहे उसके स्कार्स के लिए 10 डेज के लिए, और ये भी बोला था अगर उसके जो जख्म है उससे थोड़ा सा मतलब कि वॉटरी डिस्चार्ज होता है ना, तो आप वरी मत करना, पैनिक मत होना, आप उसको क्रीम लगाते रहना, वो ठीक हो जाएगा। तो क्रीम भी लेकर आनी है, और मुझे उसको वैक्सीनेशन जो उसकी डिले हो गई थी ना वो भी करवानी है। तो आज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बनी है मैक्रोनी, सिंपल मैक्रोनी। तो आज सुबह सुबह क्या हुआ ना, चीकू रेडी होके चला गया, उसका जो लंच था ना वो डाइनिंग टेबल पे रह गया, और हमारे से भी दिमाग से निकल गया, मैं उसको बाय बाय कर रही, बाय चीकू, और लंच मैंने भी नहीं देखा। फिर फ्रेश मैक्रोनी बनाई गरम गरम, फिर चीकू को ना गरम लंच देकर आया राहुल, तो फिर जो मैक्रोनी थोड़ी सी बच गई थी ना, तो मैंने सोचा मैं और पायल खा लेंगे ब्रेकफास्ट में। हाँ जी चलो। हाँ चलो, छोड़ने नहीं जा रही? हाँ एयरपोर्ट पे छोड़ने नहीं जा रही? चलती हूँ, चलो रेडी जाती हूँ। पागल है क्या तू, रो रही है? देखो गाइस ये काम के लिए जा रहे हैं, तो देखो अच्छी बात है ना, ये इंसान आगे बढ़ रहा है, तो इससे ज्यादा खुशी मुझे होगी ना पायल को। पायल का है, पायल को बुला देती हूँ। आजा पायल भैया, सारी तैयारियाँ हो गई? फुल तैयारी है जी, ऑल डन। ऑल डन, चलो हैव अ सेफ जर्नी और बहुत सारा एंजॉय करना। थैंक यू। चलो इसने बोला पायल उदास हो रहा है, उदास हो रहा है। पायल रो रही है, पायल प्लीज मत रोना। सालों बाद पायल मत रोना यार, मुझे भी रोना आ रहा है। ड्रामे मत करो, चलो आता हूँ जल्दी मैं, बाय बाय। चलो बाय पापा, हैव अ सेफ जर्नी, याद रखना। तो गाइस ऐसा लाइफ में पहली बार हो रहा है कि अरमान जी ना अकेले जा रहे हैं कहीं बाहर, और हम सारे घर पर हैं, पता नहीं कैसे रहेंगे हमारे बिना। मैं वीडियो कॉल कर लूंगा। वीडियो कर, मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया, आप भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है? चलो मैं आगे तक चल रही हूँ आपके साथ, वहाँ गेट तक छोड़ के आऊंगी। इस गेट के बाद हम दोनों जुदा हो जाएंगे, बाय बाय। जा रही हूँ मैं आपको छोड़ के। तो अरमान जी को छोड़ दिया हमने एयरपोर्ट पे, अब हम जा रहे हैं वापस घर, और हमारे घर से ज्यादा टाइम नहीं लगता एयरपोर्ट का, ये लगा लो हार्डली 15 मिनट, 15 मिनट आना 15 मिनट जाना, अब घर पहुँच जाते हैं और फिर संभालते हैं घर पर जाके बच्चों को। तो गाइज आज हमारे घर में आई है सेजल जी बच्चों को दुआ देने के लिए, और साथ ही साथ ना नजर उतारने के लिए। हेलो, नमस्ते, कैसे हो? ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत ही अच्छी हूँ, और ना साथ में बॉबी जी भी है, वो शर्मा रहे हैं, मैं उनको नहीं दिखा रही, थोड़ा सा दिखाऊंगी हल्का सा यहाँ पे। चलो जल्दी से बच्चे तंदुरुस्त हो, अच्छे हो, फिर आएंगे, बड़े फंक्शन करेंगे तो बधाई लेंगे, जरूर आएंगे। और मेरी कृष्णा को लेकर मैं बैठी हूँ, मैं सिमरन महंत बोल रही हूँ आपके जीरकपुर बल्टाना से, और ये मेरा भाई के लड़का है, मेरे भतीजा है। और आपको पता है आपके पास कृष्णा ऐसे बैठे हैं जैसे मतलब सदियों से जानता हो। हाँ सदियों से मुझे जानता है ना, बुआ जी लोग भी आ गए हैं, जैद भी आ गए हैं, सेम सेम कपड़े पहनते हैं दोनों भाई भाई, ये लोग। तो गाइस मैं पहुँच गई हूँ, और यहाँ पे जो है बच्चों की नानके से आए हैं बच्चों से मिलने, तो बच्चों को जो है नजर का भी कर दिया है, क्योंकि बच्चों को नजरें बहुत ज्यादा लगती हैं और जल्दी लगती हैं, क्योंकि बच्चे बहुत प्योर सॉल होते हैं और बहुत ही क्यूट होते हैं, इसलिए। तो अब बहुत ही जल्द यहाँ पे बच्चों को ब्लेसिंग मिलने वाली है, तो एक बहुत ही अच्छा और ग्रैंड प्रोग्राम होने वाला है हमारे यहाँ पे, वो हम बाद में बताएंगे क्या होगा। ये जिम में काम आ जाएगी पायल, मेरी टॉप तेरे टॉप नहीं आएगा, छोटे छोटे क्रॉप टॉप आएंगे, अब नहीं पहन सकती क्या? अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर ना हमने अपने बड़े वाले रूम का बेड खोल दिया, जितना भी सारा सामान है ना ऐसे उबल खाबल हुआ हुआ, मतलब कि सारे बैग सारे कपड़े ऐसे रखे हुए ना कि पता ही नहीं चल रहा कौन सा सामान किस में है। तो जितनी भी चीजें है ना सबको अच्छे सेटल कर देंगे, मतलब हम ये 9 दिन ना, बोलते हैं ना घर में दिवाली की सफाई होती है, सारा A to Z घर साफ होता है, तो ऐसे ना पूरा घर साफ करने वाले हैं। तो मैं आपको ना थोड़ा सा बेड की हालत दिखा देती हूँ, सारा सामान देखो एज इट इज ऐसे पड़ा हुआ है ऊपर नीचे, ये सारा सामान, जितना भी सामान
सामान है। ड्रेस किसको दी थी हमने? यार ये ड्रेस मेरे को लग रहा है ये हमने सरोज भाभी को दी थी। तो आज यहाँ से निकलने वाले हैं बहुत सारे वेस्टर्न ड्रेसेस, ये हमने खरीदा क्योंकि ये सारे जो है ना हमारे वो कपड़े हैं जो हम लोग प्रेगनेंसी से पहले सारे पहनते थे, और अब जो कपड़े हमें नहीं आने वाले हैं उन्हें रख रखने का कोई फायदा नहीं। कश्मीर से लेकर कश्मीर से आई थी, मैंने एक बार भी नहीं पहना। मेरे को आ जाएगा, पहनूंगी। तो ये इधर सर्दियों का ही नहीं पतला। तो गाइज अभी बच चुके हैं 6:30 और सुबह से पूरे तीनों बेड खाली कर दिए। तीनों बेड में से जितने कपड़े निकालने थे जितने कपड़े निकालने सब कपड़े निकाल दिए और बांट दिए। और अब जो है दोनों बच्चे तो सो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अयान और तूबा ट्विंस नहीं है, जैद और तूबा ट्विंस है। जब भी वो उठते हैं एक साथ उठते हैं, सोते हैं एक साथ सोते हैं, भूख लगती है उनको एक साथ भूख लगती है। मतलब बात भी करते हैं वो आपस में, दोनों बात करते हैं, पर अयान जो है ना वो बिल्कुल अलग सा रहता है, अपनी धुन में मस्त रहता है। उससे कोई बात करो ना करो वो खेलता है तो खेलता है, रोता है तो इतना रोता है, उसे कोई चुप नहीं करा सकता। और उसे जब भूख लगी होती है तो भूख लगी होती है। मतलब वो दोनों बच्चों से बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है कि अयान मेरे पेट में नहीं था, जैद मेरे पेट में था। भैया वो जो दवाई आपने हमें दी थी ना वो बाल उगाने वाली, तो मेरे पास ना बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ना चाहिए वो दवाई। वो कैसे मिलेगी दवाई? दवाई तो यहाँ पर ही है और अमेज़न में भी अवेलेबल है। वो अमेज़न में है? अमेज़न में कुछ लोगों को मिली है अमेज़न से और काफी लोगों को नहीं मिली। अच्छा आपको कैसे पता? आप भी, आपको भी मैसेज आए क्या? अरे मेरे को ढेर सारे मैसेज ठीक है। तो एक काम कर देना, आप व्लॉग बना देना और लोगों को पता लग जाएगा ना कि वो दवाई कहाँ से मिलेगी, क्योंकि हमें तो बहुत इफेक्ट पड़ा उससे ना। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। तो गाइज मतलब इतना आप लोग ना हमारी एक एक चीज को नोटिस करते हो। आप भैया ने बोला कि मेरे पास मेल्स भी आए हैं, डीएम्स भी आए हैं, इतने सारे मैसेजेस भी आए हैं उस दवाई के लिए। तो अभी अभी मुझे पता चला है कि वो दवाई आपको जो है अमेजोन से भी मिल जाएगी, और सीरियसली वो दवाई बहुत अच्छी है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, हम लोगों ने बहुत लोगों ने यूज किया वो दवाई। परसों भैया ना पूरा एक व्लॉग बनाएंगे, जिस दुकान से वो दवाई मिलती है उसका पूरा एक व्लॉग बनाएंगे, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको देंगे। परसों आएगा भैया का, और भैया का चैनल का नाम क्या बोलूँ, सैफी फिटनेस। तो आप वहां जाके ना वो पूरा व्लॉग देख लेना, जिसको भी उस दवाई की नीड है वो दवाई वो ले सकते हैं। और वैसे भैया ने जैसा कि हमें बताया वो दवाई जो है वो अमेजोन पे भी मिलती है, तो मैं आपको एक झलक दिखा देती हूँ कि आपको अमेजोन पे क्या टाइप करना है और कैसे आपको दवाई मिलेगी। पर गाइस होता है ना कि एक अच्छी चीज पाने के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता है, बोलते हैं ना सबर का फल मीठा होता है, ये बात बिल्कुल सच है। ये जो दवाई है ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। तो अब ऐसा हो सकता है कि ना जैसे मेरा जो पिन कोड है यहाँ का अलग है, तो आप लोग जहाँ जहाँ से हो सबके पिन कोड अलग होंगे, तो मेरे पिन कोड पे ये जो दवाई है डिलीवर नहीं कर रहा। तो एक काम करती हूँ, आज मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी इस दवाई का, और अगर आप लोगों के पिन कोड पे आती है ना तो फिर आप लोग मंगवा सकते हो, कि हमारे यहाँ नहीं आ रही है, आउट ऑफ स्टॉक है। तो गाइज ये है वो दवाई, इसका नाम है जर्बी, और ये मिलती है 295 रुपीज की। अमेजोन पे मिलती है पर अभी आउट ऑफ स्टॉक है। अगर आपके पिन कोड पे आती हो तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। इसके बाद भी अगर आपको नहीं मिलती है तो आप परसों जो है शफी भैया का व्लॉग देख लेना, और जहाँ से वो मिलती है, जहाँ से वो उन्होंने हमारे पास भेजी थी, वो पूरा व्लॉग डालेंगे, वहाँ से आप ये ले सकते हैं। और ये हर्बल प्रोडक्ट है, सेफ है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इस दवाई को इंटरनल यूज नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ सर पे यूज कर सकते हैं। दाढ़ी के अगर बाल चले गए हैं, दाढ़ी की यहाँ पे कीड़ा लग गया, कि जहाँ पे भी आपको लगता है कि बालों में कीड़ा लग गया है, बाल नहीं आ रहे हैं, देखो जिनके बाल हैं ही नहीं वो तो वो वापस नहीं आएंगे, तो वो लोग इस दवाई को मतलब ट्राई करने की सोचना भी मत। जिनके बाल हैं और चले गए हैं तो वो बाल जो है आपके वापस आ सकते हैं। जैसे हमारे अयुब भैया जो हमारे गानों को शूट करते हैं, उनके यहाँ पे पूरी दाढ़ी खाली हो गई थी, और यहाँ पे पहले क्या होता है, पहले थोड़े थोड़े से दाने आएंगे, दाने जब आपको आ जाएंगे समझ लो इसका मतलब फिर वो जाने दाने जब फूटेंगे उनमें से निकलेंगे आपके बाल, उसी जगह पे आप जो है बाल आ जाएंगे आपके। अगर आपको लगता है कि एक बारी में नहीं हुआ है, एक बारी में कम आए हैं बाल, तो आप दोबारा भी उसे यूज कर सकते हो। तो गाइस इस दवाई के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। जैसे जहाँ पर आपके बाल नहीं है तो आपको क्या करना है, ईयरबड्स लेके उस दवाई को अप्लाई करना है, उसके अगले दिन ना आपको पिंपल्स होंगे, और मैंने लगाई हुई है तो बता देती, पिंपल्स और इरिटेशन होगी। जैसे मेरे यहाँ पे और यहाँ पे बाल नहीं थे, तो दोनों साइड पे मेरे को इतनी इरिटेशन हो रही थी, सर में दर्द हो रहा था। एक दिन की बात है, दूसरे दिन ना नॉर्मल हो जाएगा, फिर वो जो रेडनेस हो जाएगी आपके पूरे एरिया में, जो वो रेडनेस है ना वो रेडनेस दो दिन में जाएगी, फिर वो रेडनेस से ब्लैकनेस हो जाएगी, और ब्लैकनेस जब होगी तो वो धीरे धीरे सूखेगी, जब वो सूखती है तो आपके बाल आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कम से कम 4 से 5 दिन लगते हैं। तो ये मत बोलना कि बाल लगाते बाल क्यों नहीं आ रहे, थोड़ा सा पेशेंस करना पड़ेगा, और थोड़ा सा हल्का सा जो दर्द है वो जहाँ पे आप लगाओगे ना हल्का सा दर्द भी होगा। और अगर आप इस दवाई का यूज सर में करेंगे, मतलब देखो जैसे मेरे यहाँ पे हल्के हल्के बाल जाने लगे हैं, तो मैं ये दवाई अब यहाँ यूज करूंगी, यहाँ यूज करूंगी, यहाँ यूज करूंगी, तो जिस दिन आप यूज करोगे ना उसके 1 या 2 दिन हल्का आपको सर में पेन रहेगा, जैसे सर दर्द होता है वैसे रहेगा, उसके लिए आप पेन
पेन किलर खा सकते हैं, सर दर्द की दवाई खा सकते हैं सेराडोन, और उसके बाद वो पेन आपका चला जाएगा। और जैसे हम पिंपल्स आते हैं उसके पर उसके ऊपर खुरंड आ जाती है, उस खुरंड को हटाते हैं तो उसमें से बाल निकलता है। तो बता देती हूँ आपको इस दवाई की जो है मैं फोटो डाल दूंगी और अमेजोन का स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी, अगर वहां से आपको मिलती है तो वहां से भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है चीकू के पापा पहुंच गए होंगे, लेकिन वहां पे ना वो नंबर नहीं चलेगा, तो वहां का नंबर लेके वो हमें जरूर कॉल करेंगे और हम वेट ही कर रहे हैं कि कब उनका कॉल आए। और 6:30 बजे पहुंचना था ना उनको, 6:30 बजे वो वहां पहुंच गए हैं। तो जिन भी लोगों को अरमान जी से मिलना होगा, हम एक डेट डिसाइड करेंगे उस डेट पे। क्या है वहां पे बुर्ज खलीफा, वहां पे बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा पे वो मीटअप रखेंगे और मैं अपने व्लॉग में आपको बता दूंगी कि कब वो मीटअप रखेंगे, आप लोग जाके उनसे सभी लोग मिल सकते हैं। तो अभी मैं और गोलू निकल पड़े हैं मार्केट के लिए और यहाँ पे हमारे पास 4 सूट हैं, 4 सूट की फिटिंग करवानी है। साथ ही साथ पहले वाले जो सूट थे ना वो लेके नहीं आए थे, हमें 19 को लेने था और वो रह गया था वहीं, वो हमने तीज के लिए सिलवाए थे पर उस टाइम मिल नहीं पाए, तो वो ले आते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी फंक्शन में काम आ जाएंगे और ये वाले सूट को जो है फिटिंग करवा के आ जाएंगे। तो गाइस हमारा ना पोपट हो गया जैसे कि हमेशा होता है, हम लोग आ गए यहाँ पर और पीछे देखा कि दुकान जो है ना वो बंद है, तो अब क्या वापस जा रहे हैं क्योंकि कोई और काम नहीं था, एक मेन था यार सूट ले लेंगे। मैं एक्साइटेड भी थी पायल बहुत ज्यादा सूट के लिए, मैं अभी कैसे बने क्योंकि हम बहुत टाइम बाद सूट स्टिच करवा रहे थे, काफी टाइम बाद लोहड़ी पे लास्ट टाइम बनवाए थे हमने, अब बनवा रहे हैं। मोमोज खाएं क्या यार? मैं तो यार खा लेते हैं, एक काम करूंगी एक ट्राई कर लूं। अच्छा इन्होंने जान से पहले बोला था तुम एंजॉय करोगे, अब रोज जो मन करेगा वो खाओगे। हाँ सही बात है, तो एक काम करती थोड़ा सा ना एक आधा पीस ट्राई कर लेती हूँ। तो हमारा जो चीकू है ना कभी गोलगप्पे के लिए मना नहीं कर सकता, उसे गोलगप्पे इतने ज्यादा पसंद है ना, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं मार्केट का काम ना हुआ तो ना सही, इसके लिए गोलगप्पे जरूर लेके जाती हूँ, तो बस गोलगप्पे ले लेते हैं। और आज ना इतनी थकावट हो रही है ना गाइस, इतनी क्या हो गया, ये तो यहाँ पर पायल का जो नाखून का फूल है ना वो टूट गया। तो गाइस एक मोमोज की वजह से ना इतना चलना पड़ा ना, वहाँ से यहाँ तक ना आधा किलोमीटर चलकर आए हैं मोमोज के लिए। कोई बात नहीं, इतनी से एक्सरसाइज नहीं कर रही। हाँ ये बात तो है, मेरे एक्सरसाइज का यही रहता है, एक दिन करती हूँ, दो दिन करती हूँ, 4 दिन नहीं कर पाती। तो रात के 9:30 बज गए हैं और चीकू अभी अभी सोए हैं, मार्केट से आने के बाद सबसे पहले ना पाल ने चीकू को सुला दिया और तीनों बच्चे सो रहे हैं बिल्कुल टाइम से, हमें बस आधा घंटा लगा और बच्चे भी सो रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ काम करती हूँ, थोड़ी देर के लिए पहले रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि क्या है एक घंटे में बच्चे उठने वाले हैं, फिर तो उठना ही पड़ेगा। तो रात को ना खाने में ना आलू की सब्जी और दाल बनी है क्योंकि दोपहर को भी यही बना हुआ था, हमने शांति को बोल दिया कि बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे शांति ने करेले कट करके रखे थे तो करेले बनेंगे कल दोपहर को। तो गाइस बस ये व्लॉग को ना यही एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन।